व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब अपनी जिंदगी में खुश होंगे। आज की वीडियो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नॉर्मल प्रेगनेंसी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 ओवरीज, 2 फिलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और वेजाइना पर कंसिस्ट करता है। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें एग्स बनते हैं। जैसे ही एक एग ओवरीज में मैच्योर हो जाता है तो ये फिलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, जहां ये एग आमतौर पर 24 आवर्स के लिए फर्टिलाइजेशन हो जाने का इंतज़ार करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसे 5 से 6 दिन के अंदर ट्रैवल करके यूट्रस तक पहुँचना होता है, और यूट्रस में पहुंचने पर यह अपने आप को यूट्रस की एंडोमेट्रियम में अटैच कर लेता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, और यहीं से ही एक नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी का आगाज़ होता है। लेकिन व्यूअर्स, अगर फर्टिलाइज्ड एग ट्रैवल करके यूट्रस तक ना पहुंचे और यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन कर दे, तो फिर इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं पर भी हो सकती है, जैसे कि सर्विक्स में, ओवरीज में, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन ज़्यादातर ये फिलोपियन ट्यूब के वाइडेस्ट सेक्शन में होती है, जहाँ पे एग स्टक हो जाता है और वहीं पे ही अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। लेकिन व्यूअर्स, अगर इन टाइम ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो फीटस अपनी डेवलपमेंट यहीं पर ही कंटिन्यू रखता है, जिसकी वजह से मदर की फिलोपियन ट्यूब के रप्चर होने या फटने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। व्यूअर्स, आम तौर पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही फील होती है और इसका कोई ख़ास स्पेसिफिक साइन नज़र नहीं आता, और अगर आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह पॉजिटिव ही शो करता है। क्लिनिकली 4 हफ्तों के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पहले साइंस नज़र आना शुरू होते हैं, जिसमें एब्डोमिनल पेन, वेजिनल ब्लीडिंग और समटाइम्स ये दोनों इकट्ठे ही शुरू हो जाते हैं। कंधे में दर्द हो सकता है, और अगर इस दौरान फिलोपियन ट्यूब रप्चर कर जाती है तो फीमेल फेंट हो सकती है और उसे कोई ना कोई शॉक आ सकता है, और ये एक बहुत ही इंटेंस मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है जिसे इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती किस वजह से है। तो व्यूअर्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तब होती है जब फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है। व्यूअर्स, फिलोपियन ट्यूब की इनर साइड पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें सीलिया कहा जाता है, और ये सीलिया फर्टिलाइज्ड एग को ट्रैवल करने में या ट्रांसपोर्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो देखा ये गया है कि बाज़ औक़ात किसी एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या कोई केमिकल या ड्रग के एक्सपोजर में आने की वजह से फिलोपियन ट्यूब में मौजूद सीलिया का नंबर कम हो जाता है और फर्टिलाइज्ड एग की ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन डिले हो जाती है, और फर्टिलाइज्ड एग अपने आप को ट्यूब में ही इम्प्लांट कर लेता है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी की वजह बन जाता है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी फिलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन या किसी भी बैक्टीरियल और फंगल सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है। अगर फीमेल कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉलो कर रही है, जैसे कि कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ कर रही है, तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो तो नेक्स्ट भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, स्मोकिंग और कुछ फर्टिलिटी ड्रग्स भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह बन सकती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस के लिए HCG लेवल को चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है। तो व्यूअर्स, अगर अर्ली स्टेजेस पे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है तो स्पेसिफिक मेडिसिंस के ज़रिए से बॉडी के अंदर ही प्रेगनेंसी टिश्यूज़ को डिसॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन अगर वक्त ज़्यादा गुजर गया हो तो फिर इसके लिए एक की होल सर्जरी की जाती है। 90% एक्टोपिक प्रेगनेंसीज फिलोपियन ट्यूब में होती है, लेकिन व्यूअर्स, अगर फिलोपियन ट्यूब रप्चर कर जाए तो फिर ये एक इमरजेंसी है,
जिसमें फौरी तौर पर एक ओपन सर्जरी करके रप्चर्ड फिलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि रप्चर्ड फिलोपियन ट्यूब बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग की वजह बन सकती है, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की प्रिवेंशन का कोई ख़ास तरीका तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको अपनाकर आप इसके रिस्क को ज़रूर कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो स्मोकिंग को छोड़ दें। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और इनकी वजह से होने वाली इन्फ्लेमेशन से बचें, क्योंकि व्यूअर्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अनफॉर्चुनेटली फीटस को सेव नहीं किया जाता और ज़्यादातर ट्रीटमेंट में प्रेगनेंसी को रिमूव कर दिया जाता है। तो प्रेगनेंसी हो जाने पर सेल्फ मेडिकेशंस में ना पड़ें और एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एक हेल्दी प्रेगनेंसी को यकीनी बनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो गया होगा। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।